इसी के साथ समय हो गया है अगली खबर का, जो कि जुड़ी हुई है हैदराबाद से। चलिए डालते हैं इस पर नजर। हैदराबाद में स्नेचिंग के मामले तो सामने आते ही रहते हैं, लेकिन अब धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं कि किस तरह से चोर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसी तरह का वाकया हैदराबाद के हबीब नगर PS लिमिट में सामने आया है। यहाँ पर एक महिला जो कि जा रही थी, उसे दो लोगों ने रोका जो कि खुद को पुलिस का बता रहे थे, और उसे एहतियात बरतते हुए सोने को एहतियात से रखने को कहकर एक डिब्बी दी जिसमें सोना रखा, लेकिन ये सब हाथ की सफाई थी। उन्होंने इस महिला को ठगते हुए उसका सोने का पूरा सामान गायब कर दिया। जब महिला को इसकी जानकारी हुई तब तक देर हो चुकी थी। हालांकि इस महिला ने, जिसका नाम गुनमाला जैन है, उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी है, और अब पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है, CCTV कैमरे में खंगाल रही है। वहीं लोगों से अपील की जा रही है कि सोना पहनकर ना निकलें। ये जो घटना घटित हुई है गुनमाला जैन के साथ हुई है, जो कि 65 साल की है, और आपको बता दें के लोगों ने इन्हें ठगा है, और जानकारी के अनुसार सितारन बाग की रहने वाली हैं ये। लोगों से अपील की जा रही है कि अनजान लोगों पर भरोसा ना करें। इन दिनों शहर में धोखाधड़ी चोरी जोरों पर है। गुनमाला जैन है मेरा नाम। मैं जैन मंदिर से आ रही थी और ऐसा बंडी जा रही थी तो आमली में, और फिर बाद में रास्ते से आ रही थी मैं, वहाँ से एक जना वहाँ से बुला रहा था। रेती के पास एक रेती बेचते नहीं, रावण जलता उधर, वो कार्नल के ऊपर उन्होंने बुलाया मेरे को। तो मैं बोली क्या को बुला रहा कि भैया, बोली मैं तो। उन्होंने बोला मैं पुलिस का आदमी हूँ। बोले ये चीज़ा काई को पहनते अम्मा, बोले बहुत डर है। बोले कल बोले मटर हुआ तुमको नहीं मालूम क्या, धोबी गली के पास घर में जाके चीजा ले लिए, लूट लिए वो लोग। कैसा निकाले अम्मा चीजा वो आपसे? उन्होंने ही निकाला, मेरे को बोला निकाल लो, बोला मैं पेपर में तुम्हारे को दे देता, बोला। उन्होंने पेपर निकाला, मेरे को बोला कंटी निकाल ली खाली। मैं बोली बस, बोली मैं बोली चूड़ी नहीं निकालती। नहीं बोले चूड़ा भी निकालो, आगे बहुत खतरा है, बोले आधे आधे आगे बहुत खतरा है, बोले लोगा निकाल के ले रहे, बोले। तो मैं क्या करी, वो पेपर लिया, उन्होंने पेपर के अंदर गुण डाल के मेरे को चूड़ी भी और कंटी, ये दोनों मिला के पेपर के अंदर गुण डाल के उन्होंने थैली है मेरी छोटी थैली के अंदर, बोला अम्मा बोला नीचे रखना, बोला ये मेरे सामने रखा उन्होंने। अब रखा तो मैं तो देखी, मैं रखते टाइम पे देखी उसमें है बोल के, फिर सीधा मैं बोली चलो भाई है बोल के आगे बढ़ गई। आगे बढ़ी तो दुकान करने में बोली इनको मिल के जाएंगे कुछ सब्जी क्या बनाना क्या नहीं बोल के को मिले। तो इन्हों बोले चीजा कहाँ है, बोले तो मैं बोली अंदर है, ये है देखो बोली चीजा। तो एक ढक्कन नहीं, एक पत्थर दिखा, पत्थर बोले चीजा नहीं है, बोले एक पत्थर दिख रहा, बोले डब्बी। मैं परेशान हो गई, वहीं मेरे छक्के चुड़ गए। मैं फिर भागते भागते गई वो आदमी को देखने के लिए, वो किधर फरार हो गया। क्या था सोने में? चार चूड़िया थी, चार तोले का कंटी थी, चैन थी। पुलिस कंप्लेंट करी फिर आप? फिर बोला मैं पुलिस का आदमी हूँ, बोले तुम हमारे सामने पुलिस बाबा था, उनको जाके बोली मैं भैया जी ऐसा ऐसा है। जब उन्होंने बोले प्रमोद, इनको मालूम है तो इन्होंने प्रमोद को बोला, प्रमोद को बोले नो ऐसी ऐसी बात है, बोले तो हम लोग रिटर्न वहां से पुलिस के पास गए, बड़े ऑफिस कंप्लेंट कराए।